बाजू में जंगल है, उसका व्यू देखिए। अभी मैं मतलब टेन में आपको एक पहाड़ दिख रहा होगा, क्या गजब का मतलब नीच की। हे गाइस, कैसे हो आप सब। तो फाइनली यार मैंने GoPro 10 ले लिया है। कहा जाता है ना कि किसी भी चीज़ को जितनी भी शिद्दत से चाहो पूरी कायनात लग जाती है आपको उससे मिलाने में। इसका GoPro लेने का सपना मुझे 3 साल पहले ही था कि GoPro मुझे लेना है, पर कैसे लेना समझ में नहीं आता था। पढ़ाई उस टाइम पे स्टडी चलता था, पैसे नहीं हुआ करते थे मेरे पास। फाइनली जो अब जाके मुझे GoPro लेने का मौका मिला इस दिवाली के मौके पे, तो आप सभी को हैप्पी दिवाली एडवांस में, क्योंकि एक दिन पहले मैं दिवाली से पहले एक दिन वीडियो बना रहा हूँ, कल दीपावली है। तो ये मैंने कैसे लिया गाइस, इसका जो रेट था 55,000 रुपये था, ठीक है। तो मुझे ये 50% ऑफ में मिला है। कैसे ऑफ में मिला है, क्योंकि फ्लिपकार्ट पे बिग आप समझ सकते हैं कि ऑफ़र चल रहा था, तो मुझे 50% ऑफ में मिल गया है। और फाइनली मेरा सपना जो ड्रीम है वो पूरा हो गया GoPro लेने का। तो आइए चलते हैं, थोड़ा सा इसको वीडियो क्वालिटी चेक करने वाला हूँ। अभी मैं फ़िलहाल में अपने जॉब पे ही हूँ, यहाँ पे देख सकते हैं बैक साइड में, यहाँ से अपने जॉब पे हूँ। चलते हैं थोड़ा सा इसका कैमरे क्वालिटी का चेक करेंगे, थोड़ा सा व्यू लेंगे कि कैसे आ रहा है इसका वीडियो, क्या जितना मैंने जो मेरा सपना था लेने का वो चीज़ लिया, क्या मेरे सपने पे ये खरा उतर रहा है कि नहीं उतर रहा है। चलिए देखते हैं, कमेंट करके ज़रूर बताइए कि इसका क्वालिटी कैसा है। तो आइए, तो गाइस अभी मैं जस्ट जा ही रहा हूँ आगे में, आगे में इसका जो है नीचे उतरने का रास्ता है। तो आप देख सकते हैं यार, एक मतलब कि एक इंजीनियर का जो वर्क रहता है, आप देख सकते हैं कितना लंबा एरिया है। सिर्फ मैं ही हूँ यहाँ पे अकेला इसको हैंडल करने के लिए। तो जो भी भाई मेरे पढ़ रहे हैं अभी इंजीनियरिंग कर रहे हैं, तो उनके लिए थोड़ा सा कुछ मैं दिखाना चाहूँगा कि भाई अगर आप सोच के रखे हो कि आपको किस लाइन में जाना है पढ़ने के बाद से, वो चीज़ पहले से तय कर लेना। क्योंकि जब मैं डिप्लोमा कर रहा था और बीटेक कर रहा था, तो उस टाइम पे मुझे पता था कि मुझे कहाँ पे होना चाहिए, और मैं वहाँ पे एक्चुअल में हूँ, ठीक है। तो गाइस अभी मैं अपने जॉब पे हूँ और देख सकते हैं ये पूरा व्यू क्या गजब शानदार आ रहा है। ये पूरा एरिया 1 किलोमीटर का है, और मुझे अभी जाना है इसके सेंटर में स्टेयर के से, वहाँ से मैं नीचे उतरूँगा। और अभी फ़िलहाल लंच का टाइम हो चुका है, तो आप देख सकते हैं लंच का हो गया, तो फिर अभी अपन जाएंगे ऑफिस में, जाएंगे लंच करने के लिए। तो आइए बाहर का थोड़ा सा इसका व्यू देखेंगे गाइस। जैसा कि देख सकते हैं बाहर में आपको एक पहाड़ दिख रहा होगा, क्या गजब का मतलब नेचर है बाहर में भी। मैं वहाँ पे जाने का प्लान कर रहा हूँ संडे का, मेरी जो टीम है वहाँ पर जाने की प्लानिंग है। तो चलिए और बाहर के भी एक व्यू लेते हैं। तो गाइस मैं एंट्री पॉइंट से निकल रहा हूँ यहाँ से, और कुछ ऐसा व्यू मिलेगा आपको, क्वालिटी इसका चेक कर सकते हैं कि कितना बेहतरीन क्वालिटी है। और बात अगर मैं करूँ, अगर मैं सीढ़ी पे उतर रहा हूँ, तो ये कितना मतलब इसका जिलाहन बनने, मतलब हाइपर स्मूथनेस कर देगा पूरा मेरा, मतलब जो है ऐसे में थोड़ा उतरने वाला जो सीन है, थोड़ा ये भी चेक कर सकते हैं कि कितना इम्प्रूवमेंट है इसका। अब गाइस मैं अभी फैब्रिकेशन एरिया में आ गया हूँ, देख सकते हैं हमारा जो प्लांट का ये मैं अभी एक एरिया मतलब एक ही जगह पे हूँ। अगर प्लांट ये जो है हमारा बहुत ही बड़ा है, क्या गजब का नज़ारा है, फैब्रिकेशन एरिया हमारा। और मैं अभी से यहाँ से निकलूँगा, जस्ट वहाँ देख रहे होंगे वहाँ से रास्ता ऑफिस के लिए हमारे। तो ये वीडियो बहुत ही छोटा करूँगा, क्योंकि सिर्फ मकसद यही है कि इसका वीडियो क्वालिटी और वॉइस क्वालिटी चेक करना था मुझे। तो चलिए निकलते हैं ऑफिस की तरफ में। तो गाइस अभी इस थोड़ा सा सुपर व्यू में लेके रखा हूँ, तो क्वालिटी आपने चेक कर लिया होगा। मैं चलता हूँ ऑफिस में, ऑफिस ठीक है, वीडियो को एंड करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं सारी चीज़ें और मैं क्या काम करता हूँ, क्या चीज़ है क्या नहीं है, ये सारी चीज़ें मैं आपको बताऊँगा। तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।